हेलो गाइस, दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस सेशन आई वुड लाइक टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज द 4.2, दैट इज द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द फैक्टराइजेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद फैक्टराइजेशन मैथड। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ गाइज, इसको चीज़ को समझने के लिए। सपोज करिए 6x² + 7x + 2 = 0। सपोज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हाउ टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एस एंड पी, राइट, ये दो चीज याद रखिएगा। एस का मतलब सम और P का मतलब प्रोडक्ट। तो सम के सामने ये नंबर लिखेंगे आप, मिडिल टर्म का कोफिशियंट, दैट इज 7 + 7, साइन भी साथ में लीजिएगा। और प्रोडक्ट के सामने ये दो टर्म का प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि ये 6 और ये 2, द प्रोडक्ट इज 12। नाउ अब आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिसके सम का वैल्यू सम 7 आना चाहिए, प्रोडक्ट का वैल्यू 12 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 7, एक तो 1 6, सम 7 हो गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं आ रहा ना 12। 2 5 लेता हूँ तो भी सम तो 7 आ जाएगा लेकिन 2 5 = 10 आ रहा है, मुझे प्रोडक्ट 12 चाहिए। तो गाइज मेरे नंबर्स हो गए 4 और 3। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से इतना तो पता चल ही जाएगा कि नंबर्स 4 और 3 है, तो सम 7 और प्रोडक्ट 12 हो गया। तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर दूंगा, 6x² + 4x + 3x + 2 = 0। उसके बाद हमको कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन है, 6 नहीं 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 2 कॉमन है और एक एक्स स्क्वायर और x, इसमें x कॉमन है। सो 3x + 2 आ जाएगा और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 तो सब में कॉमन आता ही है। फिर से क्या कॉमन है, 3x + 2 फिर से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, 2x + 1 = 0। एक बार 3x + 2 को 0 कर देंगे और एक बार 2x + 1 को 0 कर देंगे, तो इससे x का वैल्यू -2/3 और इससे x का वैल्यू -1/2। तो ये मुझे दो वैल्यूज पता चल गए। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हमको आना चाहिए, ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसका लेने जा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट चाहिए 1 और -10 का मल्टीप्लिकेशन -10, और मुझे सम कितना चाहिए -3। तो ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनका प्रोडक्ट -10 हो और सम -3 हो। तो गाइज मेरे नंबर्स मुझे पता चल गए और ये मेरे नंबर्स होंगे -5 और +2। जब आप सम करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये जो मेरा नंबर बनेगा, ये इक्वेशन को हमको फिर ऐसा लिखना चाहिए, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब इसके अंदर x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 + 2 कॉमन ले लेंगे, x - 5 = 0। अगेन x - 5 कॉमन तो x + 2 = 0। तो इसका मतलब हो गया x = 5 और x = -2। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन गाइस। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया है ये बेसिकली 2x² है, ठीक से प्रिंट नहीं है, दैट इज 2x² + x - 6 = 0। अब यहाँ पर गाइस देखिए कि हमको प्रोडक्ट चाहिए, ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो 2 6 = 12 और साथ में माइनस भी लेना है, तो प्रोडक्ट -12 और सम आना चाहिए 1, क्योंकि मिडिल टर्म का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ऐसे दो नंबर बड़े आराम से मिल गए मेरे को, +4 और -3।
तो ये सम मेरा प्लस वन आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। सो आई कैन स्प्लिट दिस वे, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो गाइज इसके अंदर मेरा टू एक्स कॉमन है, तो ये मेरा एक्स प्लस टू माइनस थ्री कॉमन, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो फिर से क्या कॉमन है गाइज, एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया तो अंदर आया टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक बार x प्लस टू को ज़ीरो करेंगे और एक बार टू एक्स माइनस थ्री को ज़ीरो करेंगे, तो इससे x इक्वल टू मिला माइनस टू और इससे x इक्वल टू थ्री बाई टू आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन अपन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। अब यहां पर हमें सम तो चाहिए, ये मिडिल टर्म का कोफिशियंट सेवन, और प्रोडक्ट चाहिए ये चीज और ये चीज का प्रोडक्ट, यानी कि रूट टू इंटू फाइव रूट टू। तो रूट टू इंटू रूट टू टू होता है, टू फाइव जा टेन, मतलब सम सेवन और प्रोडक्ट टेन। तो ऐसे दो नंबर तो यही होते हैं, फाइव और टू, ये मेरे नंबर्स हो गए। अब इन नंबर्स का अपन इस्तेमाल करके इसको इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं, टू रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स को लिख रहा हूं मैं, फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। अब अपन क्या करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x को मैं लिख रहा हूँ रूट टू रूट टू एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। ऐसा मैंने इसलिए किया कि इन दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा था, और कॉमन जबकि है भी तो मैंने इसको इस तरह से मैनेज किया। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहे हैं आप, x कॉमन, तो अंदर क्या आया, एक्स यहां भी है एक्स यहां भी है, तो रूट टू आएगा एक्स आएगा प्लस फाइव, प्लस यहां क्या कॉमन है दोनों में, रूट टू, तो अंदर आएगा रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब रूट टू एक्स प्लस फाइव फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो रूट टू एक्स प्लस फाइव को जीरो के इक्वल करेंगे, और एक बार x प्लस रूट टू को जीरो के इक्वल करेंगे, तो इससे x इक्वल टू माइनस रूट टू आ जाएगा, और इससे x इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू आ जाएगा। सो दैट वे वी आर गेटिंग टू आंसर्स। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर विच वन, थर्ड वन। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जब भी ऐसे फ्रैक्शन वैल्यूज आते हैं तो इस अपॉन सो मल्टीप्लाई कर दो, एट को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा, ये अपॉन का एट कैंसिल हो जाएगा, एट से पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नॉर्मल इक्वेशन जैसी इक्वेशन बन गई, जिसमें हमें सम चाहिए माइनस एट, प्रोडक्ट चाहिए सिक्सटीन, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, तो मेरे नंबर्स आ गए फोर फोर, माइनस एट सम चाहिए तो दोनों माइनस के नंबर होंगे, माइनस फोर माइनस फोर। तब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स अगेन माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें फोर एक्स कॉमन ले लो तो आ जाएगा फोर एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स माइनस वन फिर से कॉमन, तो फिर से फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा बनेगा 4x इक्वल टू वन, और इधर भी 4x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन बाय फोर कॉमा वन बाय फोर, यानी कि दो आंसर आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। आई होप दैट इज़ क्लियर, बात समझ आ गई होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब इसमें सम आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशियंट माइनस ट्वेंटी, और प्रोडक्ट आना चाहिए हंड्रेड। तो ऐसे दो नंबर्स तो बड़े आराम से मिलेंगे,
-10 -10, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 100 होता है और इनका सम -20 होता है. सो 100x² - 10x - 10x + 1 = 0. तो इसमें 10x कॉमन, तो 10x - 1 - 1 कॉमन, 10x - 1 = 0. तो 10x - 1 × 10x - 1 = 0. तो x = 1/10, 1/10, यानी कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, 1/10. सो दिस इज द केस ऑफ रिपीटेड रूट्स. ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर रूट्स रिपीट होते हैं. अभी अभी हमने किया ही था ये वाला, जिसमें दोनों रूट 1/4 आए थे. तो गाइज, क्वेश्चंस को अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इसके अंदर एक स्टोरी है छोटी सी, इसको लेकर के हमें क्वेश्चन बनाना है. तो देखिएगा वो क्वेश्चन हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली. जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. अब ये दो हैं, जॉन एंड जीवंती, JON, जॉन एंड जीवंती. तो मैं क्या करता हूँ कि जॉन के पास सपोज x मार्बल है और इसके पास बचे हुए 45 टोटल मार्बल है, तो मैंने इसके पास लिख दिया 45 - x बचे हुए. अब क्वेश्चन में बोला कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5 मार्बल गुम हो गए. तो इसमें से 5 कम करूँगा तो x - 5 आएगा, और इसमें से 5 कम करूँगा तो 45 - x - 5 ऐसा आ जाएगा. अब इनका जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में दिया है 124. द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. तो ये मेरा 124 हो गया. अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. x माइनस 5, 45 में से 5 गई, तो 40 - x = 124. तो गाइज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इक्वेशंस को, तो x को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x - x² - 5 को इससे करूंगा तो -200 - -5x = 124. तो ये -x² + 40x + 5x - 200 - 124 = 0. सारे टर्म मैंने एक तरफ ले लिए, तो ये -x² + 45x - 324 = 0. तो माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी x² - 45x + 324 = 0. तो गाइज, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अब इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. तो ऐसे दो नंबर मुझे सोचना है जिनका प्रोडक्ट आ जाए 324 और जिनका सम आ जाए -45. ऐसे नंबर मेरे को सर्च करना है. अब ऐसे नंबर में कैसे सर्च करूं, सोचिएगा. अब इसके लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, 324 को मैं लिख सकता हूँ 18 × 18. थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो हमारा हो जाएगा काम, क्योंकि मुझे पता है 18 का स्क्वायर होता है 324. अब मुझे इन्हीं में से ऐसे नंबर मिलेंगे जिनका सम -45 हो जाए और प्रोडक्ट मेरा 324 हो जाए. तो कैन आई से इसको 18 × 2 × 9 ऐसा मैं लिख सकता हूँ. तो 18 × 2 = 36 और 9 मेरा काम हो गया, क्योंकि 36 और 9 = 45 होता है. तो मैं x² - 36x - 9x + 324 = 0. मतलब मैंने नंबर ले लिए -36 और -9, क्योंकि टोटल मुझे -45 चाहिए था. अब मुझे x कॉमन लेना तो अंदर आएगा x - 36 - 9 कॉमन ले लूँ तो x - 36 = 0. तो फिर से x - 36 मेरा कॉमन, तो x - 9 = 0. तो मेरा x का आंसर आ गया या तो 36 या 9. ये दो आंसर आ गए मेरे. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब उनके पास कितने कितने मार्बल स्टार्ट में थे. यदि मैं बोलूं जॉन के पास 36 थे तो इसके पास 9 हो जाएंगे, और इसके पास यदि 9 थे तो इसके पास 36 हो जाएंगे. तो कुल मिलाकर के दो आंसर आ गए, एक बंदे के पास 36 एंड अनदर वाले बंदे के पास 9 मार्बल्स. सो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट. इसके सेकंड पार्ट में बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750. वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ये थोड़ा हाइड हो रहा है, बट ये मैं बता देता हूँ, ऐसा इसके अंदर अपने को फाइंड करना है.
तो गाइज यहाँ पर हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इक्वेशन बनाएंगे। सपोज करिए कि एक्स टॉय हमारी कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। सपोज एक्स टॉयज आर प्रोड्यूस्ड, एंड कॉस्ट पर टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन में ही बोला है, ये लिखा है ना। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। अब किसी एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750, तो एक्स टॉय प्रोड्यूस करें और कॉस्ट एक टॉय की है 55 माइनस एक्स, तो ये मेरा 750 हो गया। तो ये मेरा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, 750 को इस तरफ ले लो तो उधर कुछ नहीं बचा, जीरो। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 750, 25 और 30, ये आगे दो नंबर, और सम कितना आना चाहिए 55। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, तो x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा x माइनस 25 फिर से कॉमन, तो x माइनस 30 इक्वल टू जीरो। तो मेरे दो आंसर आ रहे हैं, एक तो x का वैल्यू 25 आ रहा है और एक x का वैल्यू 30 आ रहा है। तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। इसका मतलब ये हुआ कि यदि नंबर ऑफ टॉयज यदि 25 लेते हैं तो हमारी कॉस्ट पर टॉय कितनी आ जाएगी, 55 माइनस 25 यानी कि 30 ऐसा। और यदि मैं टॉयज लेता हूँ 30, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 माइनस करो तो 25 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये दोनों मेरे आंसर है, दोनों करेक्ट है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स, देन द अदर इज 27 में से x माइनस कर लो, क्योंकि सम 27 है, अच्छा प्रोडक्ट 182 है, तो x और 27 माइनस एक्स इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो कैन आई से 27x माइनस x इंटू एक्स कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, थोड़ा सा आगे पीछे सीरियल से लिख लो, 82, 182 को भी इधर ले लो तो माइनस हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। तो गाइज ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व ही तो करना है गाइज। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मतलब इसको सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम आ जाए माइनस 27 और जिनका प्रोडक्ट आ जाए 182। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। अब ऐसे 182 को मैं लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे फैक्टराइजेशन करके थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 2 से डिवाइड करूँ तो ये 91, 91 किससे डिवाइड होता है, 7 से, 3 से तो होता नहीं है, 13, तो अरे वाह, 7 2 14 और ये 13 आ गए दोनों। 14 और 13 का सम होता है 27, तो दोनों माइनस के ले लूँगा मैं, तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, मेरा x कॉमन आएगा, तो अंदर बनेगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस 14 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 14 फिर से कॉमन है, तो अगले ब्रैकेट में x माइनस 13 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो एक बार x इक्वल टू 14 आ गया और एक बार x इक्वल टू 13 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो दो नंबर मेरे 14 एंड 13 है, क्योंकि एक नंबर x है और एक 27 माइनस x है। तो पहला 13 लोगे तो दूसरा 14 आ जाएगा, एक ही बात है, पहला 14 लोगे तो दूसरा। तो अल्टीमेटली द आंसर आर 13 एंड 14, दीज आर माई नंबर्स। आई होप दैट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, लेट वन इंटीजर इज एक्स, अदर। कंजुकेटिव का मतलब क्या, एक के बाद एक, तो दूसरा इंटीजर मेरा एक्स प्लस वन हो गया, एक का फर्क है दोनों में। और सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस 365 इक्वल टू जीरो। सो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364 आ जाएगा, ये इक्वल टू जीरो। अब फिर से हमको क्या करना है, माई गॉड, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, हाँ तो टू से डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन, तो टू से डिवाइड करो, वन एटी टू। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका 182 प्रोडक्ट आ जाए, माइनस 182 प्रोडक्ट और सम आ जाए प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर वन है कोफिशेंट। ये तो ऐसा लग रहा अभी भी कहीं देखा था 182, यही तो था 182, 13 और 14 एक का फर्क। देखते हैं ये चीज़ मेरे को हेल्प करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। 13 और 14 का प्रोडक्ट होता है 182 और सम मुझे प्लस वन चाहिए, तो बड़े का साइन प्लस ले लिया करो, छोटे का माइनस, ये तरीका है प्लस लाने का। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू जीरो। सो मेरा नंबर x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 14 बना, माइनस 13 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 14 बना इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 14 वाई वापस से कॉमन है तो x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू माइनस 14 आ गया और x इक्वल टू 13 आ गया, ये मेरे दो नंबर हो गए। अच्छा, मैंने नंबर क्या अज्यूम करे थे गाइज, x और x प्लस 1, ये मेरे दो कंजिक्यूटिव नंबर थे। तो यदि मैं पहला नंबर माइनस 14 लेता हूँ तो अगला हो जाएगा माइनस 13, एक जोड़ दो x और x प्लस 1, यानी एक ज़्यादा इससे। और यदि पहला नंबर में 13 लेता हूँ तो दूसरा मेरा 14 हो जाएगा। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। सो फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ओ पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, माई गॉड, तो फिर तो ये बात ही खत्म हो गई। तो एक ये लेना ही नहीं है फिर, तो ये 13 है तो ये अगला 14 है, दैट्स इट। तो जिनका सम ऑफ स्क्वायर 365 है, बिल्कुल सही है। तो ये मेरा बन गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, क्यों ना डायग्राम बना लें भाई, राइट ट्रेंगल बोला है तो ये राइट ट्रेंगल बना लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। द एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, बेस को x मान लो तो ये 7 कम है, ओके। हाइपोटनिस 13 है तो ये 13 लिख देता हूँ। फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है निकल जाएगा। पाइथागोरस किस दिन काम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटनिस स्क्वायर सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का सम हाइपोटनिस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कितना, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 49, 169 में से 49 गया 0 टू 120, वो भी माइनस का, इक्वल टू जीरो। अब अपन क्या करें कि इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम आ जाए माइनस 7 एंड प्रोडक्ट आ जाए माइनस 60। 60 प्रोडक्ट चाहिए, वो भी माइनस का, सम आना चाहिए 7। तो 60 के जो फैक्टर होते हैं उन्हीं में कहीं ना कहीं ये चीज़ मिलेगी, जैसे 10 और 6 16 प्रोडक्ट 60, मगर 7 नहीं बैठ रहा है। 15 और 4 ये भी नहीं बैठ रहा है, 60 तो आ रहा है मगर 7 नहीं आ रहा है। और देखते हैं 60 कैसे कैसे आ सकता है। 4 15 नहीं बैठ रहा है, 10 6 ये भी नहीं बैठ रहा है, 60 के फैक्टर्स 12 5 ये बैठ रहा है, यस इनका डिफरेंस 7 होता है। तो क्यों ना इन नंबर का मैं फ़ायदा उठाऊँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x
-60 इक्वल टू जीरो, यानी कि मैंने -12 एंड +5 नंबर ले लिए। ये हल्का फुल्का हिट एंड ट्रायल से डेफिनेटली आ जाएगा प्रैक्टिस होने के बाद। तो x कॉमन ले लेंगे तो x -12 +5 कॉमन ले लेंगे तो x -12 इक्वल टू जीरो। फिर से क्या कॉमन है, x -12 तो अंदर आ गया x +5 इक्वल टू जीरो। तो x के दो आंसर आ जाएंगे, एक तो 12 और एक -5। x -12 इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू मेरा 12 बनेगा, और दूसरा x +5 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू मेरा -5 बनेगा गाइस। और x मेरी ये लेंथ है जो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू 12 आ गया, देयरफॉर द अदर साइड्स आर, अदर साइड में एक तो 12 है एंड x मेरा 12 है, और एक साइड मैंने अज्यूम करी थी x -7, यानी कि 12 -7 तो यानी कि 5 हो गई, 12 -7 तो ये 5 हो गई। तो 12 एंड 5 ये मेरी साइड्स आ गई, तो ये मेरा ट्रेंगल का पता चल गया सब कुछ। ये जो मेरा x था ना, ये मेरा x पता चल गया 12, और ये मेरा 5 हो गया, 7 लेस, और ये 13 दे ही रखा था, सो दैट वे वी कैन मैनेज दी। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। यस, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज रुपीज 90, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स, और कॉस्ट ऑफ ईच, एक आर्टिकल की कॉस्ट इन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, ये ध्यान देना है इस पे, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब एक्स प्रोड्यूस करे तो उसके डबल से 3 ज्यादा, ये आ गया मेरी कॉस्ट पर टॉय। और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी, 90, तो x तो नंबर ऑफ टॉयज है और एक की कॉस्ट है 2x प्लस 3, तो इनका प्रोडक्ट है 90। तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों चीज निकल जाएगी। तो ये 2x स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई करा, प्लस 3x इक्वल टू 90, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, प्रोडक्ट आना चाहिए 2 और माइनस 90, यानी कि माइनस 180, और सम आना चाहिए प्लस 3। सोचो ऐसे दो नंबर, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 80 और सम आना चाहिए 3, तो 180 के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं में कहीं कहीं मिलेगा मेरे को कुछ, 2 से डिवाइड करा 90, 3 का फर्क इन दो में आ नहीं सकता, 45 ये भी नहीं हो सकता, 3 15 12 और 15, 3 टू जा 6 टू जा 12, 12 और 15 ही ये कमाल करके दिखाएंगे जिनमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। और प्लस 3 डिफरेंस चाहिए तो बड़े वाले का साइन प्लस लेऊंगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली मेरे नंबर आए प्लस 15 और माइनस 12, जिनका प्रोडक्ट माइनस 80 है और जिनका सम प्लस 3 है। तब इसमें कॉमन क्या आ रहा गाइज, मेरा इसमें कॉमन आ रहा मेरा x कॉमन, तो 2x प्लस 15 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 12 और 12 और 90, मुझे लगता है 6 कॉमन है, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 फिर से कॉमन आ जाएगा मेरा, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये मेरा 2x इक्वल टू माइनस 15, और यहाँ x इक्वल टू 6 आ रहा है, और इससे x का वैल्यू मेरा माइनस 15 बाई 2, यानी फ्रैक्शन में आएगा, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि x तो मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल है जो निगेटिव नहीं, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते, निगेटिव भी नहीं हो सकते, ये तो निगेटिव अलग आ रहा फ्रैक्शन में अलग आ रहा, तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। तो पक्का हो गया कि x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 6 का मतलब ये है कि 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करेंगे। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट अपन ने क्या अज्यूम करी थी, ये 2x प्लस 3, और x आ गया 6, तो 6 टू जा 12 प्लस 3 15, तो ये आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल और ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो गाइस कुछ भी नहीं था, केवल लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व करना, दैट्स इट। So this was this session. Thank you so much. Have a nice day, guys.